वसीद भाई चले चले संतोष जी ठीक है ठीक है। एमआईएम के गठन के 61वें साल में हम आज पहुंच गए हैं और इन 61 सालों में बिलासुबह हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद देसी जो हमारे अंग्रेज हैं, जो हमारे काले अंग्रेज हैं, उनके गलत कार्यों के खिलाफ अगर कोई लड़ाई लड़ी है तो हमारी पार्टी लड़ाई लड़ रही है और वो दलितों की, अकलियतों को, पिछड़ों की तवाना आवाज़ है। हमने 61 साल की पार्टी ने हमारी उम्र पूरी की है और सीमांचल में हमारी ये पार्टी सो काम कर रही है। सीमांचल के साथ जो पटना में और दिल्ली में बैठे हुए लोग जुल्म कर रहे हैं और हकमारी कर रहे हैं उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। इसे पूरे उत्साह के साथ हम इस हरे झंडे को फहराकर आज ये संकेत देना चाहते हैं कि हम आज़ादी की खुशी में मुल्क की आज़ादी का नारा लगाते हैं और आज राजनीतिक तौर पर अपनी पार्टी की मजबूती के लिए सीमांचल में बड़ी मजबूती की तहरीक चला रहे हैं, ये खुशी हम मना रहे हैं। और दूसरा मामला ये है कि किशनगंज की एक बहुत ही मजबूत महिला डॉक्टर श्वेता आर्या जी जो दूसरी पार्टी में थी, अब हमारी पार्टी के कार्यकलाप से वो बहुत ही खुश हुई हैं और हमारे कार्यशैली से उनको इत्मीनान हुआ है। वो सीमांचल में आई हैं, पटना में पली बढ़ी हैं, लेकिन सीमांचल में उसने जो गरीबी देखी, सीमांचल में जो निरक्षरता देखी उसने, सीमांचल में किसानों और मजदूरों की जो बुरी हालत उसने देखी है, तो उसके दिल में एक दर्द है कि सीमांचल को कैसे इंसाफ दिलाया जाए, सीमांचल में कैसे विकास का चिराग दिलाया जाए, सीमांचल के बच्चे शिक्षित कैसे हों, यहाँ के बीमार लोगों की इलाज का काम कैसे हो, यहाँ के नौजवानों को रोजगार कैसे मिले। तो उसका ये विश्वास हुआ है कि इसकी पूरी लड़ाई, बहुत दिनों से वो चिंतन मंथन सबको देख रही थी, उनका विश्वास जमा है कि अगर सच्चाई के साथ सीमांचल की कोई लड़ाई लड़ रहा है तो एमआईएम पार्टी लड़ रही है, ये मुसलमानों की पार्टी नहीं है बल्कि सीमांचल के हक और हिस्से की लड़ाई लड़ रही है। वो अपनी पूरी टीम के साथ हमारे दरमियान में आई है, इंजीनियर राजदीप भी आए हैं, हम उनका अभिनंदन करते हैं। देखिए शामिल तो उनके सैकड़ों लोग हैं, विधिवत तौर से भी 11 लोग शामिल हैं, उन्होंने इसको तवानाई बख्शी और उसके बाद फिर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने इस वक्त हैदराबाद और साउथ के इलाके से निकलकर पूरे हिंदू, ये बड़ी ताकतवर महिला है, सामाजिक, राजनीतिक और स्वास्थ्य क्षेत्र में इनका बड़ा काम है, तो ये काम कर रही है, हम उनका भी इस्तेमाल करते हैं। आइए इश्तियाक साहब, अरे आइए।